मतलब इतने हल्के में अगर बिजली विभाग हमका ले है तो बड़ी दिक्कत होती है। मुकदमा लिखा है सबके ऊपर मेहरबान छेड़ा तू नंगे नंगे मेहरबान आती बनाओ तो जाओ घर में बताइए जाओ घर में सब पे मुकदमा लिखा दी तभी तुम्हारे पास आया था। तुम कह रहे हो 10 मिनट में सही करवा रहे हैं। मोहित पांडे जी हैं जब उन्होंने फोन किया तो मैं तभी तुम्हारे पास आया था। तुम 10 मिनट में सही करवा रहे हो इतना समय हो गया। प्रदेश भर में चल रही विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है जिसके अब भयंकर परिणाम आने लगे हैं। आपको बता दें सर्वप्रथम नैमिषारण में ही विद्युत कटौती का सामना करने को मिला। यहां पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत व्यवस्था ठप रही है जिससे यहाँ पर चल रहे विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के अथक प्रयास के बाद शाम को 4 बजे के बाद नैमिषारण की विद्युत व्यवस्था बहाल हो सकी मगर यहां के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था ठप पड़ रही जिसको देखते हुए आज देर शाम किसान नेता उमेश पांडे की अगुवाई में सैकड़ों किसान नैमिषारण देहात फीडर पर पहुंचकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया जिसकी सूचना मनीष कुमार तहसीलदार मिश्र को मिली और जिसके बाद वह मौके पर पहुंचकर दिग्विजय पांडे थाना प्रभारी नैमिषारण पुलिस बल के साथ पहुंचे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाधित चल रही विद्युत व्यवस्था को तहसीलदार मनीष कुमार के द्वारा पुनः बहाल कराया गया। आई इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट।